हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बहुत सुंदर केवल बताऊंगी, उसको कैसे बनाना है ये देखिए आप। ये 6 फंदों से बनाई गई है और साइड में आप जितने फंदे रखना चाहें रख सकते हैं या बारीक केवल डाल सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, ये देखिए आप। 1 फंदा स्लिप कीजिए, 2 फंदे यहाँ पर हम उल्टा रखेंगे और 6 फंदे सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमने सीधा रखे, 2 फंदे फिर उल्टा किए और ये फंदा, ये देखिए। ऐसे ही हमने सभी केवल आगे स्टार्ट रखने, 2 उल्टे 6 सीधे 2 उल्टे। अब आगे हम रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में ये 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 6 फंदे उल्टा बुनेंगे। सिक्स फंदे उल्टा बुने, 2 फंदे सीधा बुने, 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हमने 2 रो कंप्लीट कर ली, 2 रो और बनाएंगे। ये देखिए 2 रो इस प्रकार से फिर और बनानी है। ये 2 फंदे सीधे बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर लगती है। फुल स्वेटर में डालिए, आप जैकेट में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई। अब आगे कैसे करना है ये देखिए आप। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर ये तीसरा फंदा जो है इसको उठाएंगे हम और इस फंदे को इस प्रकार से आगे की साइड से बुनेंगे। इसको पहले आगे की साइड से बुना, फिर ये 2 फंदे बाद में बुने। अब तीनों को इनको गिरा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर पीछे वाले फंदों को आगे ले लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए, ये 3 इस प्रकार का चेंज कर देंगे। फिर से इसी प्रकार बनाएंगे, देखिए। अब फिर 4 रो फिर बनाएंगे, 1 ये उल्टी साइड से, 1 उल्टी साइड से और 1 सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। 3 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली। 3 सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब 4थी सिलाई में फिर से इसी प्रकार चेंज करेंगे। ये देखिए आप, इस फंदे को उठाएंगे और पहले इसी को बनाएंगे, तीसरे फंदे को। अब 2 फंदे इसके आगे बुनेंगे ऐसे। अब इधर से भी पहले पीछे वाले फंदों को बुनेंगे और फिर आगे वाले फंदे को बनाएंगे।
इस प्रकार से इस फंदों को चेंज करना है आपको। ये देखिए, अब फिर तीन तीन सिलाइयाँ इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताएंगे किस प्रकार का डिजाइन बनाना है। ये देखिए, ये तीसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। टू फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पर हम ये टू फंदे सीधा बुनेंगे और इस तीसरे फंदे पर इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे एक बार ऐसे बुना, दो बार ये धागा लपेटा और तीसरी बार फिर से बुन लीजिए। ऐसे गुच्छी बनानी है। अब दूसरे फंदे को फिर से ऐसे ही एक बार ऐसे लपेटा, फिर दूसरी बार और फिर से तीसरी बार, दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये टू फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, अब उल्टी साइड से दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। अब ये सिक्स फंदे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, टू फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, टू फंदे फिर सीधे बुनेंगे। ये देखिए, अब आगे कैसे करेंगे ये देखिए। इस गुच्छी को हम बाहर लेकर आएंगे, ये टू फंदे अंदर चले जाएंगे और ये गुच्छी वाला फंदा हमारा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से बना लेंगे। ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे। इधर से भी इसी प्रकार चेंज करेंगे। पहले हम इन फंदों को बुनेंगे और फिर ऊपर से इस गुच्छी को बनेंगे। इन तीनों फंदों का एक बना देंगे। ये देखिए, दो फंदे उल्टे, अब आगे कैसे बनाना है ये आगे हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में तो उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनिए। छह फंदे उल्टे बन जाएंगे और दो दो फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बीच में हम देखिए कैसे करते हैं। वन फंदा ऐसे बुनेंगे, ये दूसरा फंदा भी सिंपल बुनेंगे। अब ये दो फंदे लेंगे लेकिन धागा आगे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को इस प्रकार ले लेंगे और इसके आगे से ऐसे घुमाएंगे, फिर वापिस इसी पर लेंगे। यहाँ से वापिस ले आएंगे और इस प्रकार से ये देखिए, दो फंदे हमने यहाँ पर बांध दिए, दो फंदे सीधे बुन लेंगे। अब उल्टी साइड से सब सिलाइयाँ हमारी बराबर चलेंगी, कोई बदलाव नहीं है, उल्टी सिलाई सब बराबर बनेगी।
अब इस पर देखिए आप कैसे बनाएंगे हम। अब यहाँ पर हम गुच्छी बनाएंगे फर्स्ट वाले फंदे पर, क्योंकि यहाँ पर हमने खोला है तो यहाँ पर हम बंद करेंगे, और बंद करने के लिए हमें किनारी पर बनाएंगे ऐसे, फर्स्ट वाले फंदे पर ही गुच्छी बनाएंगे ऐसे, बीच के फंदे हम सिंपल बुनेंगे, फोर फंदे सिंपल बुनेंगे, फिर एक गुच्छी हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए टू फंदे उल्टे, अब रॉन्ग साइड से ये देखिए इन तीनों फंदों को हम स्लिप करेंगे और ये फोर फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसको स्लिप कीजिए, आगे धागा घुमाइए, दो फंदे सीधे बुने, इस प्रकार से ये डिजाइन दिखाई देगा। अब इसको हम बंद करेंगे, बंद कैसे करना है ये देखिए आप, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करें, अब इसको हटाकर पहले दो फंदे सीधा बुन लें। अब इस गुच्छी को बुनेंगे एक साथ तीनों फंदों को। अब पहले हम इधर से इस फंदे को बुनेंगे और इन दोनों फंदों को बाहर ले लेंगे। ये देखिए पहले तीन का एक कर दें और फिर ऊपर से इन दोनों फंदों को बुन लें। हमारी डिब्बी बंद हो गई है और कंप्लीट भी हो गई है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये डिजाइन किस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए इस प्रकार का ये डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर से दोबारा आपको डिब्बी शुरू करनी है तो फर्स्ट रो से यहाँ पर डिब्बी शुरू करनी है। कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।